सर इतनी रात को क्या कर रहे हैं आप लोग? रात को 11 बज गए हैं और अभी गुरुकुल के अंदर छापा मारना है कि जो बच्चे दिल्ली पुलिस के नाम पे यहाँ पे पेपर सेट करते हैं। मेरी टीम भी पूरी मेहनत करती है तो मैं अपनी टीम को भी चेक करने आया हूँ, प्लस बच्चे क्या रात को दिल्ली पुलिस के नाम पे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मैं एक बार बताता हूँ। एक बार चलो साथ में आ जाओ। ऑफिस है, क्लोज हो गया, अभी बिल्कुल सन्नाटा है, सभी सो रहे हैं, लेकिन मुझे ये देखना है कि सचमुच में जिन बच्चों का टारगेट होता है उनको पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। ये मेरे टीचर्स का रूम है, रात को 10 बज रहा है और 10 बजे बच्चे कुछ यहाँ पे पूछ रहे हैं सर से, और सर सोते समय भी बच्चों को यहाँ पे पूरा गाइडलाइन कर रहे हैं। रात को गुरुकुल के अंदर रहने वाले बच्चों को सबसे बड़ा ये फायदा कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, देखो किस तरीके से रात को टीचर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। सर इतनी रात को क्या कर रहे हैं आप लोग? बस बच्चों को क्वेश्चन के बारे में कोर्स बताया जा रहा है। पूछ रहे हो क्या बेटा आप लोग? सब कुछ का टोटल ऑल ओवर चल रहा है। तो ये अभी रात के टाइम जो बच्चों को डाउट होता है पढ़ने वाले बच्चे को इस तरीके से पढ़ते, बाकी मैं क्लास के अंदर जो लाइब्रेरी तो यहाँ पे हम लोगों ने नहीं मेंटेन किया, लेकिन रात को यहाँ पे दो दो तीन तीन बजे तक बच्चे पढ़ते हैं। हमारे सुशील सर ये देख लो, यहाँ पे रात के इतनी टाइम बच्चे यहाँ पे किस चीज की तैयारी कर रहे बेटा? अभी कोई क्लास है क्या? नो सर, रात को सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। और यहाँ पे ये जो देख रहे हो इनको, ये वही अनिल सर हैं जो ग्राउंड में बच्चों को मार पीट करके और फिजिकल की तैयारी कराते हैं, और रात को इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैंने कोई प्रेशर नहीं दे रखा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे रात को रहने का सबसे बड़ा फायदा बच्चों का ये है कि यहाँ पे रात को पढ़ाते। तो क्या भाई आप लोगों को जबरदस्ती बिठाया गया? नो सर। तो यहाँ पे पढ़ाई रात को करते हो तो ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती आपको नींद आ रही हो और पढ़ाते हम लोग? नो सर। और कितने बच्चे जो रोज अपनी मर्जी से आके पढ़ते हैं? रात को क्या करते हो, मेन बेसिकली कोई टॉपिक करवाया जाता है या टेस्ट या कुछ ऐसे ही रिवाइज करवाया जाता है? सभी बच्चे अपने बुक्स वगैरह लेकर ऊपर हाथ करना, हाथ और कॉपी, बहुत बढ़िया कर रहे हो सारा चीज। तो भाई आप लोगों ने देखा कि रात को इतने टाइम में भी यहाँ पे बच्चे गुरुकुल के अंदर तैयारी करते हैं। पूरा गुरुकुल देखो आप, सन्नाटा पड़ा हुआ है, पूरा कैंपस हमारा, यहाँ पे मंदिर, मैस, वो वॉशरूम और ये सारे हॉल, क्लास डी ए, आगे फिर सी है, फिर लैब है हमारा सीबीटी का, और उसके बाद स्टाफ रूम है। और इस इन्वायरमेंट में जो बच्चे यहाँ पे आते हैं वो 101% सेलेक्ट होंगे। अब 4 भर्तियां लेटेस्ट में आ रही हैं, अगर आप लोग भी भर्ती होना चाहते हो तो आप गुरुकुल के अंदर आओ और यहाँ पे दिन और रात मेहनत करके, कोई टाइम टेबल नहीं, आप जितना टाइम पढ़ना चाहते हो और जितना टाइम दौड़ना चाहते हो आप आराम से अपनी तैयारी कर सकते हो। जय हिंद।